जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल वेब स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं। मेंसुरेशन में हमने हमारा जो छठा लेक्चर चलेगा आज, अभी हमने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें हमने आपको स्क्वायर पढ़ाया था। स्क्वायर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिए थे, और उससे पहले जो बेसिक फॉर्मूले थे, आयत पे रेक्टेंगल बेस क्वेश्चन भी कराए थे आपको, ट्रायंगल बेस भी कराए थे। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम समचतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है जी। समचतुर्भुज और समलंब बेस जो भी क्वेश्चन आएंगे आए हुए हैं अभी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में, और जो हमारा जो चल रहा है मेन यूपीएसआई के जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो सभी आज हम करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम समचतुर्भुज पढ़ाएंगे। समचतुर्भुज में देखो क्या क्या पढ़ेंगे हमने आपको इसके सब। तो समचतुर्भुज क्या होता है, यानी समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है जी। मान लिया ए बी सी और डी, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है जी। ये भी आप याद रखना, इसकी भुजा हमने एल मान ली, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल हो गई। इसके जो फॉर्मूले बनते हैं वो क्या क्या है देखो। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल यानी एरिया, समचतुर्भुज का जो एरिया होगा वो क्या होता है हमारा, एक बटे दो डी वन इंटू डी टू। यहाँ पर डी वन और डी टू क्या है, ये दोनों विकर्ण है, ठीक है जी। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, एक बटे दो दोनों विकर्णों का गुणनफल। एक एरिया का फॉर्मूला एक और होता है, इसको भी आप इसका भी मतलब यूज करेंगे, इसको भी याद रखना, क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है जी, जिसका परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है, परिमाप होता है हमारा 4 इंटू यानी 4 गुना भुजा या 4 एल। और जो इसकी भुजा होती है, भुजा क्या होती है हमारी, भुजा का जो फॉर्मूला होता है वो भी यानी कि एल बराबर 1 बटे 2 अंडर रूट डी वन स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर। एक इसका जो परिमाप का फॉर्मूला होता है, एक परिमाप का फॉर्मूला और लिख लो, क्या होगा हमारा, 2 इंटू अंडर रूट डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे समचतुर्भुज पे बेस है, यानी कि इन्हीं फॉर्मूले बेस हम क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादातर इन फॉर्मूलों का यूज करके ही अपने क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यानी कि सबसे पहले जो हम बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इजी से हार्ड लेवल तक हम, यानी कि जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे भी पूछे गए हैं, जो हमारे आकृति बेस होते हैं नहीं, फिगर बेस क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी सब हम आपको कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है जी। परिमाप हमें निकालना है, कैसे करेंगे, परिमाप का समचतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बताया था अभी आपको मैंने, यानी कि 2 अंडर रूट डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर, ठीक है जी। डी वन और डी टू क्या है, विकर्ण है, विकर्ण की जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर दो, 2 गुना डी वन कितना 32 यानी कि 32 का स्क्वायर प्लस डी टू कितना 24 यानी 24 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लो, 2 गुना अंडर रूट 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 प्लस 24 का स्क्वायर 576। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड अंदर वालों को जोड़ देंगे, तो 2 अंडर रूट भाई ये हो जाए 4 और 6 10, यहाँ पे 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 1 6 और ये है कैसे, ये कितना हो गया हमारा 1600 किसका वर्ग होता है हमारा 40, 1600 किसका होता है 40 का, यानी कि इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 40 यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 80 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये क्या हो गया हमारा आंसर, क्या क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, यानी एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 32 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, इस पर समचतुर्भुज का परिमाप निकालना था, परिमाप का फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पे डी वन और डी टू की वैल्यू रखी और आंसर कितना आ गया हमारा 80 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि दोनों विकर्णों में से, ठीक है जी, एक की लंबाई दोनों विकर्णों में से एक की, यहाँ पर ये लिख लो,
एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने फॉर्मूला भी पीछे, अभी इसी फॉर्मूले पे हम करेंगे जो पीछे बताया, क्या बताया था, परिमाप का फॉर्मूला, 2 × √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। परिमाप कितना दिया हुआ है, 40 बराबर 2 × √d1 की वैल्यू कितनी दी है, 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, 2 से कट जाएगा कितना, 20, ये क्या हो जाएगा, √12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया जी, 144 प्लस d2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें d2 की वैल्यू निकाल ली दोनों पक्षों का, यहाँ मैं वर्ग कर देता हूँ। ठीक है जी, जब वर्ग करूँगा तो 20 का वर्ग कितना, 400, इसके वर्ग से ही √ कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना, 144 प्लस d2 स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, d2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 400 माइनस 144, इसमें से इसको घटा देंगे 6, यहाँ पे कितना, 5 और ये 2, यानी कितना आ गया, 256। अब यहाँ से 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, यानी कि d2 कितना हो जाएगा, √256, इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो कितना, 16 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, यानी कि परिमाप दिया था, एक विकर्ण दिया था, d2 की वैल्यू निकालनी थी, कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस बार क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है जी, कैसा क्वेश्चन है, यानी कि एक दे दिया हमें समचतुर्भुज, ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। ठीक है जी, और इसकी क्या दे दी हमारी ऊंचाई, ये मान ली हमने इसकी ऊंचाई, ये कितनी दी है, 5 मीटर, और इसका परिमाप दिया है कितना पूरा, 40। ठीक है जी, तो हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो बताया था हमने, आधार गुना ऊंचाई। हमारे पास ऊंचाई तो है लेकिन आधार नहीं है, तो आधार कैसे निकालेंगे, देखो जी परिमाप दिया है कितना, 40 मीटर। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 40, यानी कि परिमाप बराबर होता है हमारा 4 गुना भुजा। ठीक है जी, परिमाप कितना दिया है, 40, 10 गुना भुजा हमने एल मान ली, 4 से 4 ये कट दिया जाएगा कितना, यानी एल बराबर कितना आ गया, 10, यानी कि जो भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 10 मीटर, यानी कि ये भी 10 मीटर, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, यानी कि आधार आ गया कितना, 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना था, एरिया, एरिया क्या था, आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 5, यानी कितना हो गया हमारा एरिया, 50 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला था, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, हमारे पास ऊंचाई थी लेकिन आधार नहीं था, तो हमने परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप से क्या निकाल ली, सबसे पहले उसकी भुजा निकाल ली, भुजा यानी कि आधार आ गया हमारा 10, और फिर इन दोनों का यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, आंसर कितना आ गया, 50 मीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा बी ई इक्वल है ए बी के, तथा ए बी इक्वल है 2 AD के, और ए ई ये क्या है, समांतर है हमारी डी सी के, यानी कि पैरेलल है डी सी के, तो समलंब चतुर्भुज ए बी सी और डी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे करेंगे, क्या क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है ए बी ई, ये जो हमारा त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी ई, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर होगी, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो बी ई है वो ए बी के इक्वल है, यानी क्या, यदि मैं इसको एक्स मानता हूँ और ये भी क्या हो जाएगी, एक्स ही इसके इक्वल दी है, उसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, त्रिभुज ए बी ई में इसका जो क्षेत्रफल यानी एरिया होगा क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है एक्स, ऊंचाई कितनी है एक्स, बराबर किसके है, ये दिया है बराबर किसके, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर के,
यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 72 गुना 2, भाई ये यहाँ बट्टे में तो इसके गुना में चले गया, 72 दूनी 144, यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्योंकि ये स्क्वायर इस पर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो 144 अंडर रूट से बाहर आता है कितना, 12। यानी कि जो एक्स की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारी, 12, यहाँ पे भी कितनी आ गई, 12। उसके बाद कहा है जो हमारी ए बी जो है वो दी है 2 गुना AD के बराबर, ए बी की वैल्यू कितनी आई है, 12। तो यहाँ से दिया है हमारा ये देख लो, ए बी बराबर 2 AD, यानी कि मैं ए डी की जो वैल्यू निकालूँ तो कितनी, ए बी बटे 2, ए बी की वैल्यू 12 बटे 2 यानी 6। जो हमारी ए डी है, ए डी कितनी आई है, 6 सेंटीमीटर। और आगे कहा है ए पैरलर है डी सी के, जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, 6 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल बी सी कितनी होगी, 12 और 6 18 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमारे पास ये भी आ गई, ये भी आ गई। यदि मुझे ये वाली पता लग जाए तो ये भी आ जाएगी क्योंकि इसके पैरलर है। तो अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये वाली, यानी आपने ये तो पढ़ा होगा कर्ण वाला जो फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि मैं यहाँ से यदि ए की वैल्यू निकालने लगूँ तो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना, 144 प्लस 144। यानी इसको अगर मैं लिखूँगा ये ऐसे हो जाएगा ना, 2 गुना 144। इसको यहाँ से सोल्व करके कितना आ जाएगा, √2 गुना 12। यानी कि जो ए ई आया कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 12 × √2। अभी ये अगर इसके पैरेलल लाइन है तो ये हमारा एक ये आयत बन जाएगा, यानी कि जितना ये है इतना ये हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी हमारी ये हो जाएगी। अब हमसे निकलवाया क्या है, हमसे पूछा है तो समलंब चतुर्भुज, ये बन गया हमारा ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बन गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे देख लो, इधर समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई। समांतर भुजा कितनी कितनी है, यानी कि ए डी प्लस बी सी और गुना ऊंचाई। ठीक है जी, इसमें वैल्यू पुट कर दो, 1/2 ए डी कितनी है हमारी, 6, बी सी कितनी है हमारी, 18, 6 और 18 24, गुना ऊंचाई कितनी आई है हमारी, यही तो ऊंचाई होगी, यानी 12। ठीक है जी, अब यहाँ से इसको काट दो, कितना आ गया है हमारा, 12, यानी 12 गुना 12 कितना होगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, इस कंसेप्ट पे काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इसके जैसा एक क्वेश्चन और हम आपको करा देते हैं, देखो वो कैसे होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर देखो क्या है, दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा QT बराबर है PQ के तथा PQ बराबर है 4PH के और PT पैरेलल है HC के। ठीक है जी, और उसके बाद में तो चतुर्भुज PDRS का क्षेत्रफल ज्ञात करें, PQ ये हो गई हमारी एक, और HP PQ HP पैरेलल है, PQ और HP इन्होंने दिया है। तो करो जी कैसे करते हैं, दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल इतना, निर्देश का क्षेत्रफल दिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसका पी जो QT है वो PQ के बराबर है, QT बराबर है PQ, मान लिया हमने ये x है, ये भी x है, तो ये बात क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, त्रिभुज PQT का एरिया हो जाएगा हमारा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि x × x। ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 128, 2 यहाँ पे चले जाएगा इसके साथ गुना में, यहाँ से क्या होगा, x² बराबर 128 दूनी 256,
छप्पन, 256 किसका स्क्वायर होता है हमारा 16 का, यानी कि x बराबर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है 16 सेंटीमीटर, ये भी कितनी 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये 16 हो गई, ये 16 हो गई। ये मुझे ये निकालनी, तो ये इसका डायरेक्ट बता, जब ये अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो ना, तो ये डायरेक्ट याद रखना हमेशा कितने आगे √2 और गुना जितनी भी ये वाली लंबाई होगी। ठीक है जी, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, यदि इस तरीके से यदि दो भुजाएं बराबर दी हो तो ये वाली कितनी आ जाएगी √2 गुना 16, यानी कि जो भी इस लेंथ की जो ये वाली भुजा है इसकी जो लेंथ होगी। ठीक है जी, ये इस तरीके से, चाहे आपको उसको मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है हमारे, क्या होता है यानी क्या करना था हमें, यहाँ से कर्ण की तो वैल्यू निकालनी है। ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी जो कर्ण, यदि मुझे पीटी निकालना हो, पीटी का स्क्वायर निकालूंगा या पीटी निकाल लो सीधा, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा टी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये कितना हमारा 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, यानी कि 256 प्लस 256, इस पूरे का अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 256 और अंडर रूट, यानी कि √2 गुना 16 ये आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको भी निकाल सकते थे, या आप इस तरीके से देख लो, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, जब दो भुजाएं इस समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हो, लंब और आधार वाले जो कर्ण निकालते हैं वो डायरेक्ट आ जाता है, यानी कि √2 गुना जो भी भुजा की लेंथ हो कितनी 16। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं, तो पीटी की वैल्यू आ गई हमारी इतनी। उसके बाद अब ये हमारा आ गया, हमें निकालना क्या, तो जो हमारा चतुर्भुज पी टी आर एस का क्षेत्रफल निकालना, पी टी आर एस यानी कि इस वाले का, यदि मैं इस पूरे समलंब का क्षेत्रफल निकाल के इस वाले को उसमें से घटा दूं, तो ये वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा हमारा, तो कर लो जी ऐसे ही। आगे इन्होंने दे भी रखा है, कुछ कंडीशन दिया है, यानी कि पी क्यू बराबर 4 PS, पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है हमारी 16, 16 बराबर 4 गुना PS, यहाँ से क्या करेंगे हम, PS की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 4 = 16, यानी PS बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। PS कहाँ है हमारा, PS हो गए ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, जब ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी हो जाएगी हमारे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें दिया है जो PT है वो परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है S के, S और ये एक सेकंड में चेक करता हूँ क्वेश्चन में, ये हमारा एस आर के, ये क्या है हमारा एस आर, पी टी पैरलर है एस आर के, यानी कि जो पी टी है हमारा ये इस वाली लाइन के पैरलर है, जब ये पैरलर है तो जितनी लाइन थी ये होगी इतनी लेंथ ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमारा ये भी निकल गया। अब यदि मुझे एक समलंब समलंब चतुर्भुज बन गया हमारा एस पी क्यू आर का क्षेत्रफल का एरिया निकालना हो, तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, 4 + 4 = 16 यानी 20 गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी ये वाली। ठीक है जी, ऊंचाई क्या होगी ये वाली, कितना 16। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, ये 2 से कट जाएगा 8 बार, यानी कि 4 और 20 = 24 गुना 8, इन दोनों यहाँ से मल्टीप्लाई, 4 8 = 32, 4 2 = 16, 16 और 3 = 19, कितना हो गया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना चतुर्भुज पी टी आर एस का क्षेत्रफल, पी टी आर एस का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे में से यदि मैं ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल दूं तो ये आ जाएगा, तो घटा दो तो चतुर्भुज ये बनाया हमने, चतुर्भुज मान लिया एक चतुर्भुज पी टी आर एस का क्षेत्रफल, यानी एरिया कितना हो जाएगा हमारा, जो पूरे का क्षेत्रफल है 192 माइनस इसका क्षेत्रफल, ट्रायंगल जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 128। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, ये 12 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे 8 8 में से 6 गए, सॉरी 8 में से 2 गए, कितने बच गए हमारे 64, यानी कि जो पी हमारा पी टी आर एस का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को आप कर सकते हो, तो पिछले वाला भी CBSE पे था, ये वाला भी, इनकी आप प्रैक्टिस करना बार बार, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे, क्या एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई दी है 28 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, इनकी दो अन्य भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो जी समलंब का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिए थे, समलंब क्या करती है होती है हमारी, ये होता है इस तरीके का हमारा समलंब, ठीक है जी। ये समलंब होकर मतलब ये ए बी सी और डी, ये वाली जो भुजा होती है समांतर होती है, अन्य दो भुजा ये होती है, और इसकी जो ये इस पे डालते हैं होती है हमारी इसकी हाइट, ठीक है जी। इस तरह की क्या होती है इसकी हाइट। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे इस जो जो वैल्यू दी है उसके अनुसार, जो समांतर भुजाओं की लंबाई दे दी, मान लिया जो एक लंबाई कितनी 28, ये होगी 28, दूसरी दे दी जो बड़ी वाली है वो 40, दो अन्य भुजाओं की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योगफल यानी कि डी सी प्लस ए बी गुना है, ठीक है जी। अब देखो हमारे समांतर भुजाएं भी है लेकिन हमारे पास एच नहीं है, तो एच कैसे निकालते हैं, देखो जी एच निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। जब हम ये पर इस पे ये डाल देते हैं परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है हमारा, ये आयत बन जाता है, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर, यानी जितनी ये है इतनी यहाँ पे आ जाती है 28, ठीक है जी। और जो ये दो भाग बचते हैं ये वाला और ये वाला, इस पूरी में से जो भी इसके घट के जो वैल्यू आएगी उसको दो भागों में बांट देंगे, यानी कि 40 में से जब हम 28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 को 2 से भाग कर देंगे कितना 6, यानी कि ये भी 6 और ये भी 6, इस तरीके से हम ये वाले निकाल लेते हैं। आगे आता है, अब ये देखो हमारा ये क्या बन गया, ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज बनने के बाद यहाँ पे कर्ण दिया है और लंबी दिया है, सॉरी आधार दिया है, तो हमें क्या निकालना, लंब यानी कि हाइट निकालनी। तो त्रिभुज त्रिभुज हमारा क्या है डी, इसको पॉइंट मान लो कुछ भी, ये मान लिया हमने, ठीक है जी, डी ई ए में यदि हम इस त्रिभुज में चलते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी कि 12 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर पाइथागोरस पर में लगा दिया, यानी करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से 144 ये 36 प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 144 माइनस 36, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 144 में से 36 का 108, ठीक है जी, कितना आ गया 108, यानी कि जो h की वैल्यू आ गई अंडर रूट 108। 108 को कैसे लिख सकते हैं हम, 108 पर होता है हमारा यानी कि 36 × 3 108 होता है। 108 को कैसे लिख सकते हैं हम, 36 × 3 यानी 36 दिया क्या होता है 108, यानी इसको लिख सकते हैं हम 36 × 3, ठीक है जी। जब 36 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 36 का 6, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है जी, एच इतना आ गया। अब इसका फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि 40 + 28 कितने हो गए, 40 + 28 हो गए 68, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 6√3, 2 से इसको काट दो कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 3, ठीक है जी, इतनी तो हो गया हमारा कितना 3 हो जाएगा। उसके बाद 68 × 3 और √3 इनके मल्टीप्लाई 8 के 3 में कराएंगे 24, और 36 18 और 2 यानी 204√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा समलंब का क्षेत्रफल कितना आ गया 204√3, सही है। इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। अब आगे देखो इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं आपको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये तो पहले से भी इजी है, पहले भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, समान जो समलंब चतुर्भुज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, दो समांतर भुजा कौन कौन सी दिया है यानी 16 + 20 और गुना ऊंचाई की वैल्यू कितनी 10, कर लो जी, ये दो से कट गए कितनी 5 बार 2 × 5 = 10 यानी 5 × 36 6 × 5 = 30 5 × 3 = 15 15 × 3 = 18 यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर,
मैं सिंपल सा ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएसआई में काफ़ी बार पूछे गए, तो आप इनका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है, समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, फॉर्मूले से ही हम इसको कर सकते हैं। देखो जी, सबसे पहले मैं इसको आपको डायग्राम से बनाता हूँ। ये डायग्राम बनाया है समलंब चतुर्भुज का, ठीक है जी। ये हमने ए बी सी और डी, इस पूरे का क्षेत्रफल दिया है 1440। इनकी जो समांतर भुजा यानी ये वाले समांतर भुजाओं के जो अनुपात दिया है कितना है, यानी कि ये हमने 5x मान ली, ये मान ली 3x, और जो यहाँ पर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी दी है, ये होगी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर, ठीक है जी। तो बड़ी भुजा की लंबाई हमको समांतर भुजा, बड़ी समांतर भुजा की लंबाई याद करनी क्या है, फॉर्मूला सिंपल सा, एरिया कितना दिया है 1440 बराबर 1/2, यानी कि एरिया क्या होता है समलंब का, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग 3x और 5x 8x गुना ऊंचाई कितनी 24। काट दो जी, ये कट गया 12 से, 12 2 से इसको काटेंगे बराबर, 12 से इसको काटेंगे 120, और 8 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा 15 8 120, यानी कि जो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 मीटर। हमको निकालनी क्या है, समांतर बड़ी समांतर भुजा की लंबाई, बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या है 5x, यानी कि 5 गुना x, x की वैल्यू कितनी 15 15 75, ठीक है जी, और मीटर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा एक 60 मीटर है और दूसरी हमारी 40 मीटर है, ठीक है जी, और उसका विकर्ण 80 मीटर लंबा है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन है 500 √15 मीटर स्क्वायर, 600 √15 मीटर स्क्वायर, 400 √15 मीटर स्क्वायर और 450 √15 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन है आपको, इस क्वेश्चन का हमें कमेंट करके आंसर बताना है क्या होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी, आप जरूर इसका आंसर बताइए कमेंट करके, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। और फिर आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देंगे, करते हैं आगे, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। कुछ इसके ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम आपको कराएंगे, थोड़े इससे हाई लेवल के, जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बार बार पेपर में आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जय हिंद, धन्यवाद।